हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज विधि की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं नमकीन चटपटा नाश्ता। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कटोरी गेहूं का आटा लिया है, जिससे हम रोटी बनाते हैं। और ये लिया हमने मिक्सिंग बाउल, ये डाल दिया इसके अंदर। और आधी कटोरी ली है हमने सूजी, तो ये ज़्यादातर सबके घर में होती है। तो फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम डालते हैं आधी प्याज, इसको हमने काट लिया था। और इसे तीनों चीज़ों को हम कर देते हैं मिक्स। हमने सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ हमने लिए थोड़ी सी शिमला मिर्च, इसको भी हमने बारीक काट लिया, ये भी इसी के अंदर ऐड करते हैं। और यहाँ हमने लिया है आधा टमाटर, इसके बीज हमने निकाल दिए हैं, ये डाल दिया हमने। और यहाँ पे लिए हमने 1 इंच अदरक। और फ्रेंड्स, यहाँ हमने लिए हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये भी इसी के अंदर ऐड करते हैं। और अब हम यहाँ पे डालते हैं कुछ मसाले। 1 चम्मच हम डालते हैं जीरा, और थोड़ी सी 1 इंच के करीब डालते हैं हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, ये देखिए फ्रेंड्स नमक भी डाल दिया है। हमने सब चीज़ें डाल दी हैं, अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक छोटी कटोरी डालते हैं दही, ये फ्रेश दही है। आपके पास दही नहीं हो तो बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से करते हैं पहले हम मिक्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, और इसका हमें इस तरह से बैटर बनाना है जिस तरीके से पकोड़े बनाते हैं। और इसे अच्छे से करते हैं मिक्स। अगर हमारा पानी कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा पानी और डालते हैं। अब हम इसे अच्छे से घोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें इस तरह का बैटर चाहिए पकौड़े जैसा। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी भी सूजी अच्छे से फूल गई है, अब चलें बनाते हैं इसे। तो फ्रेंड देखिए, हमारा रिफाइंड गरम हो चुका है, अच्छी हीट आ रही है। और थोड़ी सी गैस को कर देते हैं तेज। अब हम इसे बैटर को छोड़ते हैं, इस तरह छोड़ेंगे, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, हमारी कढ़ाई में 3 ही आएंगे, थोड़ी सी जगह हो गई है, थोड़ा सा बैटर हम छोड़ देते हैं इस साइड में, और थोड़ा सा छोड़ते हैं यहाँ। अब हम इन्हें सेकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर छोड़ देंगे, और देखते हैं पलटे जा रहे हैं नहीं। ये देखिए कितने अच्छे से पलट गया है, और इसे भी पलटते हैं। तो हम इन्हें कुरकुरा करेंगे, ये तो छुट जाएंगे, कोई बात नहीं। तो हम इन्हें अभी और सेकते हैं और क्रिस्पी बनाते हैं। देखिए दोनों तरफ से कितने क्रिस्पी हो गए हैं, और कितने कम सामान में हमारा ये नाश्ता बनके तैयार है। और फ्रेंड्स, गैस हमने मीडियम कर दी, और इन्हें हम निकालते हैं। हम इस चली पे निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल ना आए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें ये सभी इसी तरह बनाने हैं। तो हम खाते हैं इस नाश्ते को मीठी चटनी के साथ, यानी कि सॉस वाली चटनी के साथ। आप ग्रीन चटनी के भी साथ खा सकते हैं। और कितना अच्छा हमारा ये नाश्ता बनके तैयार हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।